आज हम एक नए गांव में आए हैं। ये उड़ीसा का एक गांव है, तो यहाँ तो गांव के आके देख, गांव में जो सीनरी है वो देख के मुझे तो पूरा बहुत खुश हो गया, मेरा दिल तो पूरा गार्डन गार्डन। तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। ये दिखता है मेरा पीछे का, जो मैं कैमरामैन को भी कहूँगा ये थोड़ा दिखाइए, ये जो कैमरा में आ रहा है, ये जो पहाड़ और पहाड़ का जो नीचे का जो खेत, पूरा सीनरी ही बहुत अच्छा भी आ रहा है। चारों ओर थोड़ा बुला के दिखाइए। पहाड़ का नीचे से ये जो बह के आया है, ये जो झरना, थोड़ा इसको भी हम देखेंगे। और यही पानी हम जो यहाँ पर जो फार्मर से जो खेती कर रहे हैं, यही पानी वहाँ पर यूज करते हैं, उनका जो पंप सेट है। ये गवर्नमेंट के तरफ से ये जो चेक डैम हुआ है, इसी चेक डैम से पानी यहाँ पर रुकता है और यहीं से पानी लेके वो अपना खेती में देते हैं। तो यहाँ तो पूरा दिल खुश हो जाना वाला पूरा वाटरफॉल है। ठीक है, देखिए, आप भी देखिए और आपको भी अच्छा लगेगा शायद ये वीडियो में देख के। और हमारा मकसद है ये वीडियो बनाने का, तो हम ऐसे जो गांव का जो रूरल का जो फार्मर्स है उनका थोड़ा मनोबल बढ़ाना और उनको थोड़ा एनकरेज करना ये काम में, क्योंकि हमको पता है ये लोग थोड़ा मेंटली ये सब काम में थोड़ा वीक रहते हैं, तो इनको हम हेल्प करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और आगे भी हम इसे वीडियो दिखाते रहेंगे आपको। ठीक है, तो आगे चल के हम और दिखेंगे खेती जो है इन फार्मर्स का। तो ये है उड़ीसा का गांव, उड़ीसा का गांव का ये फार्मर्स है। तो ठीक है, ये वाटरफॉल और एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये है पहाड़ का नीचे खेत और खेत का नीचे चास, और यहाँ पर फार्मर्स का हम कैसे लाइफस्टाइल वो भी देखेंगे। खेत के साइड, चास के साइड में ये सब पोपया अमरूद का जो फल है, पोपया का पेड़ भी यहाँ पर लगा हुआ है। और फार्मर्स का ये फार्मर्स हैं, तो इनका जो यह घर, ये थोड़ा यहाँ पर टेम्प्रारी है, ये यहाँ पर बैठते हैं जो धूप का टाइम है, बारिश का टाइम है यहाँ पर बैठते हैं और अपना खेती का देखभाल यहाँ से वो करते हैं। और उनका जो ऐसे वो कुत्ता भी पालते हैं, कुत्ता ये सब रखे हैं। ये कुत्ता है, यहाँ पर कोई अगर आएगा दुश्मन तो उनको भगाने के लिए है। और एक ठो दो ठो है, दो ठो कुत्ता है। तो ठीक है, ये उनका घर आप दिखे, हम इन फार्मर्स का लाइफस्टाइल भी दिखा रहे हैं, कैसे ये लोग अपना जीवन गुजारा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये पैसा गांव का हम लोग का जो सोच है, जो गांव में पैसा कम है, ठीक है, पैसा हम चाहेंगे तो हम कमा सकते हैं, उसका भी टेक्निक हम इस चास खेती से हम कर रहे हैं, ये फार्मर्स कर रहे हैं, तो ठीक है। तो लेकिन यहाँ का जो ज़िंदगी, जो भाग दौड़ से थोड़ा दूर है, ये सब उनके बच्चे, ये भी है। और देखिए ये जो इमली, इमली का कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पर चल रहा है और भी एक काम, इमली का कैसे ये लोग सुखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो खेती है वो भी देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम काउपी, उसको हम लोग उड़िया में तो कुछ बोलते हैं लेकिन हिंदी में जो बरबट्टी, इसको बोलते हैं बरबट्टी। ठीक है, बरबट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है ये सब खेती, अभी यहाँ पर थोड़ा काम कर रहे हैं ये सब फार्मर्स का फैमिली से जो आते हैं, ये थोड़ा आज काम चल रहा है यहाँ पर सफाई का काम। सोफा ठीक हो जी, देखाओ टिके तुम मुँह फुह देखाओ टिके, समस्त दिशो है केमती सोफा हो देखा, समस्ते टिके छिड़ा हो, छिड़ा हो, हाँ छिड़ा हो टिके समस्ते, हाँ बस बस बढ़िया बढ़िया, वर्षा ही दिला दिन दिन भीतर है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सफाई का काम भी चल रहा है। ठीक है, मैं इनका जो है फार्मर्स और उनका वाइफ का साथ भी आपको मिलाऊंगी और उनका साथ बात करेंगे। भाई आपन को नाटा राजेश पिंगुआ, राजेश पिंगुआ, हाँ हाँ ठीक है, जूरे कोई है।
अच्छा आपण एटा कोण चास करछंती? रुमा रुमा हां रुमा चास करछंती। एटा केते दिन हला एठी माने केते दिन हबो एटा? एटा 2 मास। 2 मास। अच्छा 2 मास चास हला ताहले आपण एठी 2 मास हला करछंती। अच्छा लोग मंजी लगेबारो केते दिन पोरे फळ आसुची? मंजी लगेबा करी 45 दिन। 45 दिन पोरे। अच्छा कहिबे कि ठीक है आमर जो भाई माने वीडियो देखछंती सेमने भी जानी परबे तो ए जो होउची प्रथम एठी की काम करले केमती किसो काम होउची फास्ट टू काम विषय टी कहंतो ना। फास हळ हला। अच्छा हळ होई करी गोबर देयाला। अच्छा गोबर देई करी मुजा लगायला। अच्छा मुजा लगाई करी पानी पानी दउछंती। पानी दउछंती। पानी केत दिन रे थोरे दिया होउची? 4 दिन रे थोरे। 4 दिन रे थोरे दिया होउची। अच्छा पाखा पाखी आपण हिसाब रखी छंती ए जगह रे केते खर्च होई छी? मिनिमम 8000 खर्च। 8000 खर्च होई छी। आपण भी एठी काम करंती? आप भी काम करते हैं यहां पर? ठीक तो ठीक है। यहाँ पर खर्चा जो हो रहा है उसका हिसाब रखते हैं? ठीक है तो ठीक है। तो ये बोल रहे हैं खर्चा यहाँ पर 8000 के आसपास हुआ है और यहाँ पर जो पहले से वो काम बता रहे हैं हाल हुआ, हाल के बाद वो लोग प्लॉटिंग किए, प्लॉटिंग के बाद खाद खत डाल के खाद डाल के और जो उस उनका बीज दिए और 4 दिन के इंटरवल में ये लोग पानी पानी यहाँ पर देते हैं। तो ठीक है और आगे पूछेंगे और खर्चा भी है 8000 जो बोल रहे हैं। ठीक है तो ठीक अच्छे भाई आपण एटा ताहले कहते आप 45 दिन पर बिक्री आरंभ हो हेलो तो एबे सुधा केते टंकार बिकले? 40000 टंका। 40000 टंका। अच्छा ठीक है ठीक अच्छे आपको भी आउ किसी बिकबे ना कि? हाँ तो मोटामोटी आम केते टंका पाइबा बोली भाबा ई एतकी भितरे 60 भितरे। तो ये फार्मर्स जो हैं वो बोल रहे हैं यहाँ से 60000 का आसपास कमाई होगा, उनका इन्वेस्ट जो है 8000 का आसपास इन्वेस्ट रहता है और उसको ठीक से वो जो बेच पाते हैं तो 60000 के आसपास बेचते हैं। तो हम भी जो ये मैसेज तो मैं बोल चुका हूँ ये जो दे रहे हैं तो हम भी अगर गाँव में रह के इसे खेती करेंगे तो हम लोग का भी कुछ कमाई हो सकता है। और जो लोग सोचते हैं नहीं गांव का कुछ नहीं हो सकता, गांव में कुछ नहीं हो सकता, वैसा नहीं है तो गांव में भी बहुत कुछ हो सकता है। अब भाई ये गोबर खत तो अधिका दौन ना केमिकल? गोबर बेसी दिया हो छी। ठीक अच्छे सब गोबर खत तो देके चाष करते चेष्टा करूँ हाँ बुझला दीदी? हाँ तो मैं भी यही मैसेज हर फार्मर्स को देता हूँ और थोड़ा फार्मर्स को भी जो मेरा जो नॉलेज है उसमें थोड़ा गाइड भी करता हूँ। तो खत जो है गोबर का खत उसी में उसको ही ज़्यादा यूज करने से अच्छा होगा। तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।